भगवान ने महाराज की लीला करी। उस वक्त भगवान की आयु मात्र 6 से 10 वर्ष के बीच की थी। और 6 वर्ष से 10 वर्ष के बालक के शरीर में काम का प्रभाव कदापि नहीं पड़ता। हम आप प्रयासरत रहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान की कृपा, भगवान का मंदिर, भगवान का नियम हमारे हिसाब से परिणित हो जाए। लेकिन हे भगवान के भक्तों, ब्रह्म अनाम अज भगवंता, अव्यापक अजित अनादि अनंता, जिसका न आदि है न अनंत अंत है, जो सदा सर्वदा से अनंत है, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, जो पेड़ में, जीव में, कण कण में विद्यमान है, ऐसे भगवान पर दोषारोपण करना हमारे हित में नहीं है। सुनिए राजन, मैं आपको बताता हूं, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर सरी की नाई, रवि पावक सूर सर सुरसर के नाय। हे महाराज परीक्षित, जो सामर्थ्यवान है, जो देव है, जो परम पिता है, जिसके न माता है न पिता है, जिसका आदि है न अंत है, उस पर दोषारोपण करना निषेध है। सूर्य भगवान अपने तेज से, पुष्पों से, वृक्षों से, फलों से, उसमें व्याप्त रस को शोषित कर लेते हैं,
लेकिन कोई भगवान सूर्य पर दोषारोपण नहीं करता। लोग कहते हैं कि हमने अपने धान के खेत में, हमने अपने वृक्ष में, हमने अपने बाग और बगीचे में, फुलवारी में सही से जल सिंचाई का कार्य नहीं किया, इस कारण मेरा वृक्ष पौधा सूख गया। अग्नि में जब हम हवन करते हैं, हवन करते समय नारायण जब हमारा हाथ जल जाता है, तो हम यह नहीं कहते कि भगवान अग्निदेव ने हमको जला दिया, बल्कि हम यह कहते हैं कि अगर हमने सावधानी पूर्वक हवन किया होता तो हमारा हाथ न जलता। देव नदी गंगा में मान लीजिए दशाश्वमेध घाट के सम्मुख हमारे यजमान जी की कलश यात्रा गई थी जल भरने के हेतु। अब दशाश्वमेध घाट पर अगर कोई महापापी थोड़ी सी मदिरा डाल दे, ऐसी वस्तु डाल दे जो अशुद्ध हो, तो संगम पर भगवान की चरण कमलों से निकली हुई मां गंगा के जल में डुबकी लगाने के लिए तैयार वह भक्त कभी भी गंगा जल को पान करने में संकोच नहीं करेगा। जो पापी होगा नारायण वह ऐसा करेगा कि मां गंगा में भी ऐसी वस्तु डाल दे जो सदा सर्वदा के लिए अपवित्र है। लेकिन भगवान का एक भक्त कहता है कि देव नदी मैया गंगा सक्षम है देश देशांतर लोक लोकांतर के नाले फैक्ट्रियों से निकले रसायन से मैया गंगा के हृदय को विदीर्ण किया जा रहा, दूषित किया जा रहा। लेकिन क्या गंगा मैया में आप भक्तों की श्रद्धा कम हुई? कभी नहीं नारायण। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। हे महाराज परीक्षित, मल मूत्रादि रहितम पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। मानव में मल मूत्र होता है और भगवान सदा इससे दूर है। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट हुई मैं जाना। नारायण भगवान गर्भ से जन्म नहीं लिए, चाहे वो मैया देवकी का गर्भ हो, चाहे मैया कौशल्या का गर्भ हो। भगवान ने पहले चातुर्भुज रूप से उनको दर्शन दिया है, जब निवेदन किया है तो एक परम प्रकाश के द्वारा भगवान अवतरित हुए हैं। लेकिन स्मरण रहे करुणा वरुणालय प्रभु, जिनकी पंक त्रिकुट के बल पर सागर सप्त उबलते देखा, अब उनको ही यशोदा के डर से नैनन बीच जल भरते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान गर्भ में गए हैं नारायण, अगर गर्भ में गए हैं तो महाराज परीक्षित जैसे परम भागवत की रक्षा के लिए, ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए और इस लौकिक संसार में यहां व्याप्त माया से बचाने के लिए डरे हुए परम भागवत सुखदेव भगवान
को दर्शन देने के लिए भगवान गर्भ में भी गए। हे नारायण, दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन बार, चार बार काशी में गंग हू नहाए थे, पांच बार गया जाए अच्छा बार नैमिसार, सात बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, दस अश्वमेध कोटि बार बार किए थे। ये भगवान के भक्तों, जेते फल होई सकल तीर्थन स्नान किए, होते फल होए एक राम गुण गाए थे, एते फल होए एक कृष्ण नाम गाए थे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। एक भक्त अपने भगवान से कह रहा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम्हारा
बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।